हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है ट्यूटन कंप्यूटर गाइड एजुकेशन एंड हिंदी चैनल पे। तो दोस्तों, आज एक्सेल में हम देखेंगे थ्री लॉजिकल फॉर्मूलाज, जो कि है इफ, एंड और ये तीनों फॉर्मूला को आप बारीकी से अगर यूज़ करेंगे, और ये जो तीनों फॉर्मूला है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला है। जैसे कि दोस्तों, एक्सेल में जितने भी सारे लॉजिकल फॉर्मूलाज होते हैं, सभी एक पावरफुल फॉर्मूलाज होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस लॉजिकल फॉर्मूलाज को यूज़ अच्छी तरह से करते हैं, तो आप किसी भी एक्सेल प्रोजेक्ट में वर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये तीनों फॉर्मूला को यूज़ करके हम आज एक एग्जांपल तैयार किए हैं, जो कि है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। तो दोस्तों, ये तीनों फॉर्मूला को यूज़ करके हम देखेंगे इस एग्जांपल के ऊपर, तो आपको भी बारीकी से समझ में आ जाएगा किस तरह से अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है तो किस तरह से आप लॉजिकल फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक टेबल बना हुआ है जहाँ पे कुछ नेम्स है, और यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट हम वेरीफाई करेंगे वो है एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी प्रूफ। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस प्रूफ में YYN इस तरह का यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब जिसका पास एड्रेस प्रूफ है तो यहाँ पे Y आ जाएगा, और जिसके पास एड्रेस प्रूफ नहीं है तो यहाँ पे N आ जाएगा। इसी तरह से आइडेंटिटी प्रूफ का भी यहाँ पे वही डिस्प्ले होगा, मतलब वही आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आइडेंटिटी प्रूफ मिलता है तो यस, अगर नहीं मिलता है तो नो। और दोस्तों, वेरिफिकेशन स्टेटस में ये दोनों सेल को वो चेक करेगा, और अगर दोनों ही प्रूफ आपके पास यस होता है तो यहाँ पे वेरिफिकेशन स्टेटस में डिस्प्ले होगा कंप्लीटेड, और अगर किसी भी एक प्रूफ आपके पास नहीं होता है तो यहाँ पे आ जाएगा होल्ड। तो दोस्तों, इस तरह से आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन स्टेटस को निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, किस तरह से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे थ्री लॉजिकल फॉर्मूलाज को यूज करके। तो दोस्तों, आपको वेरिफिकेशन स्टेटस में फॉर्मूला क्या लगाना है, इक्वल्स टू पहले आपको लगाना है, और उसके बाद में आपको देना है इफ, और उसके बाद में आपको देना है ब्रैकेट। तो ब्रैकेट देने के बाद आपका पहला आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो इफ फॉर्मूला के बारे में बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। इफ फॉर्मूला का मतलब फॉर्मूलास एंड फंक्शंस, प्लेलिस्ट में आपको सभी फॉर्मूलास आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, वहां पे आप इफ फॉर्मूलास को बारीकी से समझ लीजिए, और आपको कैसा लगा उसके बारे में भी कमेंट पे जरूर लिखिएगा। तो दोस्तों, इफ के बाद आ रहा है लॉजिकल टेस्ट। तो अभी लॉजिकल टेस्ट मेरा यहाँ पे क्या होगा, दो होगा, एक है एड्रेस प्रूफ का और दूसरा है आइडेंटिटी प्रूफ का। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास मोर देन वन क्राइटेरिया होता है, मतलब दोनों को अगर आपको मैच कराना है, तो यहाँ पे और एक लॉजिकल फॉर्मूला हम यूज करेंगे जिसको कहते हैं एंड। एंड तभी आपको यूज करना है अगर आपको दोनों में ही आपका जो आंसर है वो मैच होगा, मतलब दोनों में ही अगर वाई वाई होता है तभी आपको यहाँ पे यूज करना है एंड, और उसके बाद में आपको देना है ब्रैकेट, और उसके बाद में दे देना है आपका क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या होगा, एड्रेस प्रूफ का सेल रेफरेंस इक्वल्स टू, यहाँ पे आपको लिखना है वाई, मतलब एड्रेस प्रूफ में अगर वाई होता है देन कॉमा, देन फिर से वापस आपको देना है आइडेंटिटी प्रूफ का सेल रेफरेंस देन इक्वल्स टू, देन यहाँ पे देना है वाई, और इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज कर देना है, और उसके बाद में देना है ब्रैकेट, और उसके बाद में देना है कॉमा। तो इससे क्या हो जाएगा, मतलब अगर एड्रेस प्रूफ में वाई होता है और आइडेंटिटी प्रूफ में भी वाई होता है, तो आपका यहाँ पे स्टेटस में क्या डिस्प्ले होगा, स्टेटस में डिस्प्ले होगा कंप्लीटेड। नहीं तो दोस्तों, आपको यहाँ पे क्या देना है, अगर किसी में भी आपका एन आता है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेरिफिकेशन स्टेटस में आपका डिस्प्ले होगा होल्ड। तो यहाँ पे आपको लिखना है होल्ड, और उसके बाद में ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कंप्लीटेड यहाँ पे आ चुका है, और उसके बाद में यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि कंप्लीटेड कंप्लीटेड यहाँ पे है, और बहुत सारा होल्ड पे यहाँ पे आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो होल्ड यहाँ पे आया है, तो इनका जो है आइडेंटिटी प्रूफ मैच नहीं हुआ है, इसलिए आइडेंटिटी प्रूफ नो है, वो आइडेंटिटी प्रूफ नहीं दे पाया है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, होल्ड पे आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन स्टेटस निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अभी मान लीजिए कंपनी आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि दोनों प्रूफ में से किसी भी एक प्रूफ अगर वो दे देता है तो उसका वेरिफिकेशन स्टेटस जो है उसको कंप्लीटेड कराना है। तब आपको यहाँ पे क्या करना है, तब आपको फॉर्मूला को थोड़ा सा एडिट करना है, और एंड लॉजिकल फॉर्मूला की जगह में हम यूज करेंगे और फॉर्मूला। तो और लॉजिकल फॉर्मूला क्या वर्क करता है, और लॉजिकल फॉर्मूला किसी भी एक क्राइटेरिया को मैच कराएगा।
अगर किसी भी एक क्राइटेरिया मैच हो जाता है तो वो डिस्प्ले करा देगा कंप्लीटेड, नहीं तो वो होल्ड पे रखेगा। अगर दोनों ही NN आता है, मतलब दोनों क्राइटेरिया में से किसी भी एक क्राइटेरिया में भी Y नहीं आया है, तो यहाँ पे तब जाके होल्ड डिस्प्ले होगा, नहीं तो एक भी प्रूफ में अगर Y आ गया है तो कंप्लीटेड यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, एंटर प्रेस, और उसके बाद में फिर से वापस आपको डबल क्लिक करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी का कंप्लीटेड हो चुका है, सिर्फ सिवाय एक का। तो एक मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो एड्रेस प्रूफ है वो भी नो है, और आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो भी नो है, तो तभी यहाँ पे होल्ड आया है। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एड्रेस प्रूफ उनका नहीं है, लेकिन आइडेंटिटी प्रूफ वो यस है, उसका भी जो रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है वो यहाँ पे कंप्लीटेड डिस्प्ले हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इफ एंड और ये तीनों लॉजिकल फॉर्मूला को आप यूज कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में एक बेल आइकॉन दिया हुआ है उस पर भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको फर्दर अपडेट्स मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।